हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनाउस रेसिपीज। सर्दियों में अक्सर बनाया जाता है राई का अचार, जिसमें कि आता है गाजर और गोभी का अचार, आता है हरी मिर्च का अचार। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हरी मिर्च का राई का अचार कैसे डाल सकते हैं हम घर में फटाफट। आइए देखें। ये मैंने लिए हरी मिर्चें, जो कि 12 ये बड़ी हरी मिर्चें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी बड़ी। 500 ml पानी को यहाँ हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए गर्म किया लगभग, तो ये बॉइल हो गया। अब इसमें डाल देते हैं सारी हरी मिर्चें और इन्हें लगभग 2 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम पर उबाल लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, स्टोव को बंद कर देते हैं। अब इन मिर्चों को एक छलनी से पानी जो है वो छान कर निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कांच की जार जो है वो ले ली है। अब इन उबाली हुई जिनको हमने बॉइल कर लिया है हरी मिर्चों को, इनको काट कर चीरा लगा देते हैं, बीच में से दो कर देते हैं कुछ इस तरह। सभी को काट काट कर इस तरह हम इस जार में रखते जाएंगे। और ये गई सभी मिर्चें इस जार में चीरा लगाने के बाद। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 tablespoon पिसी हुई राई, स्प्रिंकल कर देते हैं। साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 teaspoon सॉल्ट और इसमें डाल देते हैं 2 tablespoon नींबू का रस। इन्हें डालें और ढक्कन बंद करके शीशी का इसे कुछ शेक कर लेते हैं, ताकि सभी नमक और मसाले जो है, जो राई है, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे किचन में रखकर 3 दिन के लिए थोड़ा सा गलने दें और उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आई होप ये रेसिपी आप पसंद करेंगे और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय। खत्म भी हो गई थी। हां तो बन गया बस।